अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आप सबके लिए इंस्टेंट फ्रूट क्रीम डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी बना के खा सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, जब भी कुछ रिफ्रेशिंग खाने का दिल करे आप इसको बनाएं और खाएं, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए भी हमें बहुत कम सामान चाहिए, तो उसमें से देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे मैंने आधा कप व्हिप्ड क्रीम लिया है इस बड़े कप से, और ये क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको हम तब तक इस तरह से फेंटते रहेंगे जब तक ये डबल से भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब कि जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट पिक्स इसमें आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैं 3 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पे शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच डालूँगी वनीला एसेंस, अगर आपके पास हो वनीला एसेंस तो ही डालें, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सबको भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप अगर व्हिपिंग क्रीम का नहीं बनाना चाहते हैं तो अमूल की फ्रेश क्रीम का भी बना सकते हैं। अब ये मैंने देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको आप चाहें तो फ्रीज़र में रख के उसके बाद इसमें फ्रूट्स डालें, या फ्रूट्स डालने के बाद फ्रीज़र में रखें, बात एक ही है। तो मैं इसमें सबसे पहले फ्रूट्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी आम लिया है इस तरह से कटे हुए, आधी छोटी कटोरी अंगूर, आप यहाँ पर काले वाले अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक छोटी कटोरी यहाँ पे मैंने लिया है अनार, जिसका मैं आधा ही डालूँगी, बाकी का डेकोरेट करने के लिए रखूँगी। और अब इसमें डाल देंगे एक छोटी कटोरी के तकरीबन केला। इन सब को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो अपने मन के हिसाब के फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो फ्रूट्स यूज़ किए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी वही यूज़ करें, आपके घर में जो अवेलेबल हो या आपको जो पसंद हो वो यूज़ करें। उसके बाद सारे फल को डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको सर्व करने की बारी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये बोल लिया है, अब मैं इसमें इसको निकाल लूँगी, और ये मैंने निकाल दिया है। अब थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़ा अनार इस पर डाल देंगे। तो ये मेरी डेजर्ट बनके तैयार है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो इसको ऐसे सर्व करें, या आप चाहें तो ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ करें तो उसका पेस्ट ही सिर्फ लें, उसमें जो गाढ़ा पेस्ट रहता है वो, और जो उसमें पानी रहता है उसको ना लें, वरना क्रीम व्हिप्ड नहीं होगी। और अगर आप पानी ले लेंगे तो उसमें एक स्मूथ सा फ्लफ़ी टेस्ट नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा इंस्टेंट क्रीम डेजर्ट फ्रूट बनके तैयार है। आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, बिना गैस जलाए इतनी टेस्टी डिज़र्ट आप नहीं बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, और उससे पहले मुझे ये बता दें ये वीडियो देख के कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।